सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, हम दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, एंड माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने एक घर को मॉडिफाई किया था, इसको स्टोन में कन्वर्ट किया था, एंड उसके बाद हमने एक अंडरग्राउंड रूम भी बनाया था। तो आज उसी रूम को हम लोग एक लाइब्रेरी और एक एन्चेंटिंग रूम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बुक्स और बुक शेल्स की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने शुगर केन भी लगाया था पिछले एपिसोड में। तो अभी उसी शुगर केन की मदद से हमें बहुत ज़्यादा पेपर्स बनाना है जिससे हम बुक शेल्स बना सकें। तो अभी तो यहाँ पर ये कलेक्ट करके हो गया, इसको अभी चलते हैं, 48 हो चुका है, तो इसको चल के अभी पेपर में कन्वर्ट करना है। लेट्स गो, फटाफट से इसको कर लेते हैं, एंड ज़्यादा नहीं बनाएंगे, कुछ बाजू में भी रख देंगे, उससे फार्म को एक्सटेंड करेंगे हम लोग। और यहाँ पर 33 मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, और बाकी का हम लोग रख देते हैं। अभी लेदर चाहिए होगा बुक बनाने के लिए, तो लेदर तो घोड़े से मिलेगा, घोड़े का फार्म नीचे था तो वहाँ पर चल के लेते हैं। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, एंड इसको मार के एक लेदर मिल गया है। ओके, एंड इसको मार, एक सेकंड, अंदर चलना पड़ेगा। ओके, सो इसको मार के भी एक मिल जाए तो ठीक रहेगा, एंड एक नहीं दो मिल गया भाई, क्या नसीब है मेरा, मस्त एकदम ज़बरदस्त। तीन बुक बन जाएगा अभी, और तीन बुक से एक बुक शेल्फ भी बन जाएगा, बहुत बढ़िया। लेट्स गो, ऑलराइट गाइस, फटाफट से बुक बना लिया मैंने, एंड अभी मुझे जो है ये शुगर केन बाहर चल के लगाना है, फार्म एक्सटेंड करना है मुझे शुगर केन का। तो इसको भी, ये वाला काम भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स गो। सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने फार्म थोड़ा बना दिया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने एक साइड सैंड लगाया, एक साइड ये सादा डर्ट, क्योंकि मुझे चेक करना है कि सैंड वाला जल्दी ग्रो करता है या फिर सादा डर्ट वाला। तो देखते हैं अभी कौन सा अच्छा अच्छे से ग्रो करता है। मेरे ख्याल से सैंड वाला लेट ग्रो करेगा, क्योंकि ये शायद एक मिथ है, सैंड वाला जल्दी ग्रो करता है। आपको क्या लगता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो। बाकी अभी तो मुझे यहाँ पर इसको पेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट से। ओके, सो 6 हो गया है। अभी बुक बनाने के लिए तो लेदर चाहिए होगा, बुक शेल्स के लिए मुझे प्लैंक्स की ज़रूरत है, वो भी नहीं है मेरे पास। तो एन्चेंटमेंट टेबल के लिए मुझे ऑब्सिडियन चाहिए होगा। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर अभी मैं सुबह हो चुका है और वापस से बाहर आ चुका हूँ। इस बार मैं घोड़ों को ढूंढने के लिए बाहर आया हूँ, देखते हैं हॉर्स मिलता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेदर्स की ज़रूरत है अभी इस वक्त मुझे बुक्स बनाने के लिए। तो एक हॉर्स दिख गया मुझे, देखते हैं अभी इससे मुझे लेदर मिलता भी है या नहीं, क्या नसीब है मेरा, देखते हैं। अभी ये भाग रहा है भाई, भाग मत, एक सेकेंड, यहाँ से नहीं मिला। सो ऑलराइट गाइस, अभी मैं वापस से घर आ चुका हूँ, क्योंकि बहुत ढूंढने के बाद में मुझे सिर्फ एक ही हॉर्स मिला था जिससे भी मुझे लेदर नहीं मिला। तो मैं अभी वापस से आ चुका हूँ, मेरे को एक लाइब्रेरियन का घर याद आया जो कि नीचे की तरफ था, तो उधर चलते हैं। सो ओके गाइस, मैं अभी वहाँ पर लाइब्रेरियन के घर में आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे अभी करीब मेरे ख्याल से यहाँ पर 5-6 के आसपास होगा बुक शेल्स, तो सारे का सारा मैं जमा कर लेता हूँ एंड चल के अपने लाइब्रेरी में लगाते हैं। सो ऑलराइट गाइस, घर आ चुका हूँ मैं, एंड इसको वापस से बुक शेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जो भी हमारा बुक्स था, एंड 5 बुक शेल्स मुझे मिला है। देखते हैं अभी इसको रख लेते हैं पहले तो, और मुझे एक एन्चेंटमेंट टेबल भी बनाना है। तो एन्चेंटमेंट टेबल तो ऑब्सीडियन से बनेगा, ऑब्सीडियन चल के मुझे ढूंढना पड़ेगा, या तो ऑब्सीडियन या तो मुझे लावा ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी, सबसे पहले तो खाना पका लेता हूँ भाई, खाना मिल नहीं रहा है, और ये कच्चा खाना खा के जल्दी पेट भी नहीं भरता इसका। तो ये फटाफट से कोल जमा कर लेते हैं एंड इसको रख लेते हैं। ओके, फटाफट से कुक हो जाएगा, और अभी हमें एक एन्चेंटमेंट टेबल भी चाहिए होगा, और बहुत ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है। बुक्स मुझे पता है स्ट्रॉन्ग होल्ड में बहुत मिलते हैं, लेकिन अभी मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड में कैसे पहुँचना है उसका कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना ही काफ़ी है, और सबसे पहले अभी मुझे इंटीरियर का काम करना है, तो चलते हैं नीचे और कुछ जमा करके लाते हैं। सॉलिड गाइस, यहाँ पर मैं माइनिंग करता तो मुझे याद आया कि एमेथिस्ट नाम का भी कुछ ब्लॉक होता है जो कि बहुत ही अच्छा, मतलब साउंड करता है और दिखने में भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा इसको ही इंटीरियर के लिए यूज़ कर लेते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मैंने इसको इंटीरियर में यूज़ किया, और साउंड भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसका, मतलब आप सुन ही सकते हो कितना मस्त आवाज़ है। सो ऑलराइट गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ सब माइन वगैरह करके,
एंड ये जो एमेथिस्ट का जो है इसके मदद से हम एक स्पाई ग्लास बना लिए। ऑलराइट गाइस, सारा सामान हम लोग रख देते हैं सॉर्ट आउट करके एंड चलते हैं अभी फटाफट से जो है बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ नहीं, ऑब्सीडियन या फिर लावा वगैरह एक केव में ढूंढने के लिए, या फिर लावा मिल जाए तो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ऑलराइट गाइस, बहुत भटकने के बाद भी मुझे अभी तक एक भी केव मिला नहीं है जो कि थोड़ा ऊपर की तरफ या फिर पास में हो, लेकिन एक क्रीपर जरूर मिल गया भाई, इससे बदला लेंगे हम लोग पिछले बार का। एक सेकंड भाई साहब, पिछली बार तो भाई फट फट के एकदम से दिमाग ख़राब कर दिया था ये लोग ने। घर बनाते बनाते मैं थक गया, लेकिन लोग कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। एक सेकंड भाई, अभी ऑलराइट गाइज, यहाँ पर अभी जो है बहुत ज़्यादा दूर भटकते भटकते आ चुका हूँ मैं, एक केव मिल चुका है, बट अभी मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम। कोई नहीं, मैं पोजीशंस एक्सिस देख के चला जाऊँगा अभी यहाँ पर। तो एक सेकंड, वाटरफॉल है कि क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी हो भाई, हम लोग सिर्फ लावा जमा करेंगे एंड ऑब्सीडियन। भाई एक सेकंड यार, ऑब्सीडियन तोड़ने के लिए मैं डायमंड पिकेक्स लाया ही नहीं हूँ। शिट, वापस से घर चलना पड़ेगा एंड क्या ही बोलना है, अभी डबल काम हो जाएगा मुझे। एक सेकंड, एक बार ट्राई कर लेते, कुछ अपडेट में चेंजेस किया रहेगा शायद माइनक्राफ्ट वालों ने। नहीं यार, नहीं टूट रहा है। तो अभी चलते हैं घर पे वापस एंड डायमंड पिकेक्स लेके आते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ऑब्सीडियन भी मिल जाएगा, नहीं तो मैं लेके ही आता। अभी देखते हैं अभी किस साइड घर है मेरा। एक तो भटक भटक के आया था, कौन सा रास्ता कुछ याद नहीं है। एक सेकंड भाई, आराम से गिर गिर के मरना चाहूँ भाई। यार यार, मेरा खाना भी ख़त्म हो गया, कुछ ज़्यादा खाना भी नहीं लाया, हेल्थ भी नहीं भर सकता। एक सेकंड यार, ये क्या था, शिट। अबे यार, किधर खो गया अभी। एक सेकंड, मैंने पोजीशंस अच्छा है एनेबल करके रखा है, ये पोजीशन देख के फटाफट से वहाँ पर चलता हूँ। लेट्स गो भाई साहब, ये क्या ग्लिचे, कुछ लोड ही नहीं हो रहा है। अच्छा है, ठीक है, लोड हो गया। एक फटाफट से उस पोजीशन पे चलते हैं एंड ऑलराइट गाइस, मेरे ख्याल से मैं उस पोजीशन पे आ चुका हूँ, मतलब उस लोकेशन पे आ चुका हूँ जहाँ पर मैं मरा था, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कहाँ पर है वो जगह। यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। ये गड्ढा है क्या? नहीं, ये गड्ढा नहीं है। एक सेकंड, दूसरा कुछ रहेगा। हाँ, यहाँ पर है। एक सेकंड, मिल गया मिल गया मिल गया भाई साहब, सारा सामान बिखरा पड़ा है यहाँ पर। एक सेकंड, सब कलेक्ट कर लेते हैं। आ गया भाई, कुछ रह तो नहीं गया, देख लेते एक बार। ओके, लेकिन एक सेकंड यार, मैं इससे अच्छा क्या कहते हैं, हम लोग घर गया था, मैं डायमंड का पिकेक्स लेके आना चाहिए था। शिट यार, वापस से मेरे को घर चलना पड़ेगा एंड डायमंड का पिकेक्स लेके आना पड़ेगा। यार घर पे ही था मैं, याद नहीं आया मुझे। सॉलिड गाइस, घर आ चुका हूँ मैं एंड अभी फटाफट डायमंड का पिकेक्स लेके उस जगह पे वापस जाना है मुझे। एक सेकंड यार, शील्ड पहन लेते हैं, हमारा सुरक्षा कवच जिसके मदद से हम स्केलेटन से बचते हैं। और जो है लावा का कुछ काम तो है नहीं वैसे, इसको रख देते हैं, बाद में कभी काम आ जाएगा। ध्यान में नहीं है अभी किस काम का है ये, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। तो अभी डायमंड का पिकेक्स लेके चलते हैं माइनिंग करने, ऑब्सीडियन का सबसे पहले सो जाते हैं, रात हो गया है। तो ऑलरेडी सुबह हो चुकी है एंड अभी चलते हैं माइनिंग करने के लिए। एक सेकेंड, जॉम्बिस का आवाज़ आ रहा है क्या, समझ नहीं आ रहा है। एक सेकेंड देख लेते हैं आसपास, क्रीपर तो नहीं। तो ठीक है, चलते हैं फटाफट से उस जगह पे, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आते आते यहाँ पर बारिश भी होने लगा एंड बारिश में तो आपको पता ही, दिन में भी जॉम्बिस और स्केलेटन्स आके मारते हैं, तो वही बुरा हाल होने वाला है अभी। सबसे पहले फटाफट में सारा का सारा ऑब्सीडियन जो है माइन कर लेते। भाई कितना टाइम लगता है यार तोड़ने में, इसको माइन कर लेते हैं एंड माइन करने के बाद देखते हैं अभी। ऑलराइट गाइस, बहुत ज़्यादा माइनिंग कर लिए। अबे यार क्या, किधर भटक, मतलब एकदम जलने के लिए। एक सेकंड यार, मैं सैंड लगा देता हूँ, फालतू तो में जल रहा हूँ यहाँ पर। सिंपल सा सैंड नहीं लगा लेने का, ओके। लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। ऊपर जाऊँगा तो मॉब्स और जॉम्बीज मारेंगे, फिर भी एक बार रिस्क लेके देखता हूँ। अगर नहीं रहेंगे ना, फटाफट भाग के घर पे जाऊँगा। एक सेकंड यार, बाजू में स्केलेटन है, वाह क्या स्वागत किया मेरा, लेट्स गो। भाग के कुछ होने वाला है नहीं, इनसे बच के भी नहीं जा सकता मैं।
इसको मार के वापस से मैं उस केव में घुस जाता हूँ और बारिश रुकने का वेट करना पड़ेगा मुझे। एक सेकेंड यार, पहले तो इससे बच के कैसे तो जाता हूँ मैं। नहीं यार, बच नहीं सकता, उसको मारना ही पड़ेगा। लेट्स गो। एक सेकेंड यार, मेरा एक पास एक तो खाना भी नहीं है ना, तो हेल्थ भी नहीं भर सकता मैं। अरे यार, मार 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 मार। ओके ओके भाई, कौन मार रहा है अभी? हाँ भाई, राइडर भाई तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी स्वागत कर लेते हैं हम। वाह, अभी तो जॉम्बे भी आ रहा है भाई, फटाफट चलना पड़ेगा। दो का हार्ट है मेरे पास, 2 HP, 2 हार्ट से अभी। नहीं 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 भाई, एक सेकेंड, 1 HP बचेगा अभी। पीछे पीछे वो भी आता रहेगा। एक सेकेंड यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक तो खाना भी नहीं मिल रहा। अच्छा है, ओके ओके, फटाफट से खाना खा लेते हैं एंड हेल्थ भर लेते हैं। पहले मारना पड़ेगा, ओके ओके, फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो कुक शॉप है तो इससे हेल्थ भी फटाफट भर जाएगा। लेट्स गो गाइस, अभी वेट करते हैं जो बारिश का रुकने का एंड फिर चलते हैं दिन होने के बाद। ऑलराइट गाइस, अभी जो है बारिश भी रुक गया और दिन भी हो चुका है अच्छे से, तो चलते हैं अभी घर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अभी। ऑलराइट गाइस, जो है कि अभी घर आ चुका हूँ मैं अभी, एंड ऑब्सीडियन की मदद से हम जो है इन्चेंटमेंट टेबल बना लेते हैं और एमेथिस्ट ब्लॉक्स इंटीरियर में यूज़ कर लेंगे घर बनाने के लिए। और कुछ काम नहीं, और कुछ नहीं अभी फ़िलहाल तो यही है। एंड इन्चेंटमेंट टेबल के लिए बुक चाहिए होगा। शिट यार, बुक को तो मैंने अभी सारा का सारा है बुक शेल्फ में बना दिया। एक बुक शेल्फ अभी मेरे को तोड़ना पड़ेगा, तो इसको लगा देते हैं बाहर की तरफ, यहाँ पर लगा देते हैं। एंड पिकैक्स नहीं है, एक्स एक्स कहाँ गया मेरा? ओके, एक्स ले लेते हैं एंड इसको तोड़ देते हैं। लेट्स गो। ओके सो यहाँ पर बुक मिल गया हमें एंड इसको एन्चेंटमेंट टेबल बना लेते हैं। लेट्स गो। ओके गाइस, एन्चेंटमेंट टेबल बन गया। भाई आप में से कितने लोग को एन्चेंटमेंट टेबल डॉक्टर स्ट्रेंज का याद दिलाता है, फटाफट से कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर स्ट्रेंज का याद दिलाते हैं। अभी फटाफट से हम लोग जो है इंटीरियर का काम कर लेते हैं एमेथिस्ट ब्लॉक लगा के। एमेथिस्ट का क्या है, जो भी है पर्पल वाला ब्लॉक काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे को ये थोड़ा, तो आपको कैसा लगता है वो भी आप फटाफट से कमेंट्स में बता दो। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने दोनों साइड पे एमेथिस्ट का ब्लॉक लगा दिया। इस साइड में सोच रहा हूँ कि बुकशेल्स रखूँ और सामने के साइड में ओक वुड प्लैंक्स लगा दूँ। तो अभी तो कुछ ध्यान में आ नहीं रहा है कि क्या करना है, आप ही बता दो कुछ आइडियाज़ कमेंट बॉक्स में, एंड अभी तो समझ नहीं आ रहा है। सो ऑलराइट गाइस, अभी जो है मैं अभी प्लैंक्स में क्या कहते हैं पेंटिंग्स बना रहा हूँ, तो पेंटिंग्स बना के देखते हैं अभी, डेकोरेट करते थोड़ा हमारा वॉल को, लाइब्रेरी का वॉल। सो अभी फ़िलहाल के लिए तो प्लैंक्स भी ले लेते हैं एंड यहाँ पर थोड़ा और प्लैंक्स चाहिए होगा एंड स्टिक्स बनाते हैं सबसे पहले, स्टिक्स चाहिए होगा मुझे। ओके एंड कितना स्टिक्स काफ़ी होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा और कर लेते हैं 36। ओके एंड इसका पेंटिंग्स बना लेते हैं, कितना पेंटिंग्स बन रहा है, 5 पेंटिंग्स। ओके डन। सॉलिड गाइस, पेंटिंग्स लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत अजीब लग रहा है यार, इसको प्रॉपर वे में कैसे लगाऊं ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसे ही रैंडम लगा देता हूँ, बाद में इसको प्रॉपर सेट करेंगे हम लोग जब पूरा रूम कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी तो इसको रैंडम तरीके से लगाना पड़ेगा। एंड ये जो रास्ता है इसको हम लोग एक कॉर्नर में कर देंगे अंडरग्राउंड से खोद के, जैसे लास्ट एपिसोड में किया था मैंने, वैसे कुछ इसके लिए भी करेंगे। एंड जो है अभी एन्चेंटमेंट टेबल और सारा आइटम्स लेके लगा देते हैं नीचे के चल के, और प्लैंक्स ले लेते हैं शायद, प्लैंक्स कहाँ गया? ओके तो यहाँ पर प्लैंक्स ले लेते हैं एंड इंटीरियर कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इंटीरियर कंप्लीट कर दिया है। अभी सबसे पहले ये वाला जो रास्ता है मैं कॉर्नर के साइड शिफ्ट कर लेता हूँ अंडरग्राउंड थोड़ा खोद के, काफ़ी अच्छा लगेगा ये बाजू में रहेगा तो, क्योंकि अभी बीच में ना बहुत अजीब लग रहा है ये और लुक भी ख़राब कर रहा है, तो इसको फटाफट से इसको खोद के एक साइड में कर लेते हैं। एंड अभी तो यहाँ पर
एक रूम भी बन जाएगा मेरे ख्याल से, एक सीक्रेट कमरा बना लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा वो। ऑलराइट गाइस, सारा काम कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर स्टेयर्स भी बना दिया है एंड अच्छा भी लग रहा है अभी। इसको कवर नहीं किया अभी तक मैंने उस साइड, फटाफट से इसको कवर भी कर लेते हैं कॉबल स्टोन की मदद से। ओके, एक यहाँ पर एंड ये लास्ट वाला। ओके डन। सो ये वैसे अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है बता दो। एंड ओके, अभी जो इंटीरियर कंप्लीट नहीं हुआ है तो ओक वाला मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एमेथिस्ट है और उस साइड ओक प्लैंक्स है, तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ पहले। और एक यहाँ पर एक कमरा टाइप बना देंगे हम लोग नीचे जाने के लिए, मतलब डोर लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसको ले लेते हैं कलेक्ट करके एंड ये वाला भी तोड़ देते हैं। ओके सो डन, काफ़ी ठीक रहेगा यहाँ पर। और एक सेकंड भाई, ये कहाँ से टपक गया? एक सेकंड यार, ये क्या है? अबे ये कहाँ से आ गया? लेकिन तेरी ऐसी के तेरी। ओके भाई, आ कहाँ गया? एक सेकंड यार, मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, कहीं से भी टपक पड़ते हैं ये लोग। सॉलिड गाइस, यहाँ पर जो है मैंने ट्रैप डोर लगा दिया है, शायद अभी ना आ पाए वो स्पाइडर भाई। इतना Z+ सिक्योरिटी होने के बाद भी आ गया भाई साहब, क्या ही बोलूँ अभी। एक सेकेंड, अभी जो है एमेथिस्ट ब्लॉक हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसको मतलब अच्छे से कवर करके डोर जो लगाना है मुझे, तो फिलहाल तो एमेथिस्ट है नहीं उतना, वापस चल के माइनिंग करना पड़ेगा मेरे को। ऑलराइट गाइस, मैं माइन करके आ चुका हूँ एंड जो है एमेथिस्ट ब्लॉक लगा भी दिया है और काफ़ी ठीक लग रहा है अभी। थोड़ा बहुत और कम पड़ रहा है, मैंने चेस्ट में जाके रखा है ऊपर, तो अभी तो फिलहाल ये एन्चेंटमेंट टेबल रख देते हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लगता है जब ये ऑटोमेटिकली बुक खोलता है और थोड़ा डॉक्टर स्ट्रेंज का फील देता है मुझे। ओके सो यहाँ पर ये लेक्टर्न यहाँ पर लग देते हैं एंड ठीक है। ऑलराइट गाइस, मेरा इंटीरियर का काम थोड़ा कंप्लीट हो चुका है और जो है अभी फ्लोरिंग का काम बाकी है, तो फ्लोरिंग के लिए मैं वही यूज़ करने वाला, हमारा प्यारा जो है डियोराइट और एंडेसाइट का स्मूथ ब्लॉक्स, मतलब स्मूथ एंडेसाइट और डियोराइट। सॉलिड गाइस, मैंने सारा का सारा मतलब स्टोन जो है वो माइन कर लिया है, अभी इसके जगह पे मुझे एंडेसाइट और डियोराइट का ब्लॉक्स लगाना है। तो ये काम भी हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा रूम को एक बेहतरीन लुक देते हैं यहाँ पर, एक और यहाँ पर। ओके सो गाइस, ऑलमोस्ट मेरा जो है कमरा बन चुका है, बस यहाँ पर ये वॉल जो है आप देख रहे हो वहाँ पर मुझे बुक शेल्स रखना है। और वैसे तो यहाँ पर अंधेरे की भी मतलब उजाले की कमी है, तो अंधेरा बहुत लग रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा टॉर्च या फिर लैंटर्न वगैरह ला के रखना पड़ेगा। लैंटर्न मुझे पता नहीं कैसे बनाते हैं, वो भी देख लेंगे रेसिपी कैसा है उसका। यहाँ पर ये वॉल बहुत खाली खाली लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जो है डियोराइट या फिर एंडेसाइट का ब्लॉक रख दूँ। और पेंटिंग तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा कैसे करना है, यहाँ पर मैंने कुछ पेंटिंग्स हटा भी दिए हैं तो मतलब वॉल लगाते वक्त। तो अभी फ़िलहाल तो एक सेकेंड यार, ओके यहाँ पर है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं ये कह रहा था कि जो है एंडेसाइट और डियोराइट का ब्लॉक्स लगा देते हैं, क्योंकि क्योंकि अजीब लुक दे रहा है, खाली खाली रह रहा है ना। तो अभी के लिए ये तो मैं यही रख देता हूँ, बाद में जब हम लोग बुक शेल्स बना लेंगे तो वो बुक शेल्स रख देंगे वहाँ पर। ओके तो यहाँ पर एक एक यहाँ पर, ये लास्ट वाला डन। तो फाइनल लुक थोड़ा अच्छा है, लेकिन ये कहाँ भाई, एक सेकेंड, इसको थोड़ा बाहर की तरफ रखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कहाँ गया? ओके सो गाइस, यहाँ पर मैं जो है अंडरग्राउंड का काम वापस कंप्लीट करने आ चुका, जो कि स्टेयर्स का काम था। यहाँ पर स्टेयर्स प्रॉपर बन नहीं रहे थे, तो मैं सोचा यहाँ पर अच्छा खासा लुक देने के लिए एंडेसाइट और डियोराइट का स्टेयर्स लगा दूँ। तो अभी फ़िलहाल तो यही काम करना है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड एक सेकेंड यार, स्टेयर्स कहाँ गया मेरा डियोराइट का? एक सेकेंड यार, ये भी लगा देते हैं। ओके भाई, एक सेकेंड यार, ये क्या मिल गया? एक सेकेंड भाई, क्या देख रहे हो? इसको कहते हैं नसीब भाई, एमरल्ड मिल गया। वैसे एमरल्ड का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज पर्पज़ में काम आता है, मतलब विलेजर से ट्रेड वगैरह करने में।
वैसे विलेजर्स हैं नहीं मेरे घर के आसपास, जो थे उनको भी भगा दिया मैंने मारपीट के। तो अभी देखते हैं कहाँ पर मिलते हैं, ये सब माइन कर लेते हैं। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैंने पेंटिंग भी थोड़ा एडजस्ट कर दिया है, वो भी अच्छा लग रहा है मुझे। एंड ऑल ओवर मुझे पूरा घर अच्छा अभी लग रहा है। थोड़ा थोड़ा मिसिंग है, जो कि हम लोग आगे चल के कंप्लीट करते जाएंगे धीरे धीरे। और अभी जो है शुगर केन को फटाफट से माइन कर लेते हैं, मतलब माइन नहीं तोड़ लेते हैं, और इसको पेपर में कन्वर्ट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लेदर की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर मैंने जो है शुगर केन फार्म को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, उस साइड फार्म कर दिया है, और मुझे बहुत ज़्यादा लेदर की ज़रूरत है। तो लेदर पता नहीं कहाँ से अभी इतने मिलने वाले हैं। आपको कुछ आइडिया होगा तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाके ड्रॉप कर दो। ऑलराइट गाइस, अभी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ शिप्स का जो है वुल कलेक्ट करने, क्योंकि मुझे अभी इससे कारपेट भी बनाना है। बाद में चल के इसको खाना भी खिलाते हैं, क्योंकि इनकी आबादी बढ़ानी है लेट्स को। सॉलिड गाइस, मैंने उनका जो है वुल कलेक्ट करके यहाँ पर कारपेट भी बिछा दिया है। फटाफट से इनको खाना खिला देते हैं और इनकी आबादी भी बढ़ा देते हैं। काओ को भी खाना खिला देंगे, उनकी भी आबादी बढ़ा देंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोग को बहुत टाइम से कुछ खिलाया नहीं है। एक सेकेंड यार, तू कहाँ से आ गया अभी? एक सेकेंड भाई, इसके भाई बहन भी आ गए। एक सेकेंड तेरे को ना, एक सेकेंड अभी बजाता है इसको। अभी तू कहाँ से आ गए? एक सेकेंड यार, मेरे को सांस तो लेने दे, भूत बना दूंगा वरना तेरे को। आ जा भाई, तू आ जा, तेरे को तो अभी भूत बना के ही छोड़ूंगा मैं। आ जा इधर, आ जा, कुश्ती करते हैं हम लोग। तेरी ऐसी की तेज। ओके भाई साहब, डन, लेट्स गो। ओके तो इसको भी बजाते हैं, डन। ओके भाई साहब, ओके। यहाँ पर तो इसके सारे रिश्तेदार आने लगे। हम लोग फटाफट से चलते हैं घर में, सो तो जाते हैं, एंड सुबह चल के वापस से इनको खाना खिलाते हैं हमारे शिप्स को। सॉलिड गाइस, सुबह हो चुकी है, एंड जो है मैंने काव को खाना बहुत ज़्यादा खिला दिया, कि शिप को भी खिला दिया है, थोड़ा और खिलाना है बाकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने वीट जमा करके रखा है घर में। तो मैं सोचा इनको खिला ही देता हूँ, एंड जो है इनका शेयर कर लेता हूँ, मतलब काट लेता हूँ। वुल जो है काफ़ी काम आते हैं कारपेट बनाने के लिए और डेकोरेशन में, कारपेट बना के। तो इनको अभी कलेक्ट कर लेता हूँ जो है वुल को, और इसका कारपेट बना के हमारे घर में यूज़ करेंगे हम लोग। एंड अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, मतलब थोड़ा सा इनकम्प्लीट है वो बुक शेल्स वाला पार्ट, बाकी ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो फटाफट से लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।